अब मैं अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता हूं। डेली 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये तुम्हारा अनाउंसर जो होता है इसके लिए एक बार ताली बजा दो। अच्छा डेली करता है, आप लोग भी भर लो, इस पर कोई सीतारमण ने टैक्स नहीं लगा। खींचो जरा जोर से। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लम है थोड़ा धीरे करना, और जो यंगस्टर्स हैं उनको ऐसे करना चाहिए। एक से दो मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए। जितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, कैंसर से मरते हैं, उससे ज्यादा लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मरते हैं। मैं 15 किलोमीटर दौड़ करके भी थकता नहीं। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, बीपी शुगर एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली हाई। I can fight 25 years youngsters. कोई भी आ सकता है, मेरे से कुश्ती लड़ सकता है, आ जाओ किसी में जाओ। 25 साल वाला मैंने अपने से आधी उम्र वाले के साथ में मैं रेसलिंग कर सकता हूँ, कुश्ती कर सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि आप यदि फिट हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। दूसरा राज देखो, ये बहुत जरूरी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैनक्रियाज, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट इधर है। ये मध्य प्रदेश हिलाओ, करो थोड़ा सा। कुछ लोग ऐसे मायूस से बैठे हुए जैसे जबरदस्ती लाके बैठाए गए, जरा कीजिए। ये बहुत जोरदार है, ये 5 मिनट्स करना। विद इन ए मिनट 60 to 100 स्ट्रोक्स हो जाते हैं, 60 to 100 स्ट्रोक्स, पूरा इंटरनल सिस्टम हो जाता है और पेट फिर इतना पतला हो जाए कि आप इसको ऐसे घुमा सके। बॉडी पाता फिर ये अनुलोम विलोम तो सब कर लिया। देखो आप लोगों को बिजनेस में रहते हो स्ट्रेस बढ़ना लाजमी है, बहुत तरह के कारण होते हैं, फैमिली रीजंस भी होते हैं, बिजनेस के रीजंस होते हैं, और कई बार तो खुद का ही रीजन होता है। नहीं नेगेटिव थॉट्स चलते रहते, उनके ऊपर ब्रेक लगाना ही नहीं आता। कुछ लोग सोना चाहते हैं, नींद नहीं आती उनको। हम काम खूब करते हैं और जैसे जहाज में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, वही नींद आ जाती, खूब लड़ाइयां लड़ते सभी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं। और अब तो अनुलोम विलोम और भी जरूरी है, क्योंकि रुचि और सोया दो मिलकर अनुलोम विलोम करेंगे। पतंजलि आप करो एक बार अनुलोम विलोम, तो बहुत जबरदस्त स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, और न्यूरो प्रॉब्लम्स के, आजकल तो इम्यूनिटी कम हो रही है, ऐसा ही MS ऑटोमेट डिजीज बढ़ रहे हैं। कभी भी किसी को भी कैंसर हो सकता है, कभी भी किसी को बीपी और हार्ट अटैक हो सकता है। आप इफ यू डिनाय योग एंड डिनाय देन डिजीज विल बी एंटर योर इन योर बॉडी। आपको योग तो करना बहुत जरूरी, बिल्कुल सिंपल है, अपना करो तो सही। रेज योर राइट हैंड, क्लोज योर राइट नोस्टल पास इन योर द ब्रेथ थ्रू लेफ्ट नोस्टल एंड एक्सहेल थ्रू राइट। Thank you.
5 मिनट्स कर लेना, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। इसके ऊपर मैंने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, वैसे हमारे पास करीब 500 साइंटिस्ट है और हमने इसके ऊपर तो तब कर लिया था रिसर्च जब हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, ऐसे पीजीआई पतंजलि ने भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया था एविडेंस बेस्ड, जिसको रिसर्च बोलते हैं, कि कुछ लोगों को प्राणायाम कराया कुछ लोगों को नहीं कराया, पाया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से प्रोलैक्टिन कॉर्टिसोल एसिड के जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं डाउन चले जाते हैं एंड बीटा एंडोर्फिन इन इंटैक्टिन आदि गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। फिर वो ब्राह्मणी और गीत आपको पता है ये फास्ट तो सब। फिर थोड़ी सी देखो बहुत तरह के एक्सरसाइजेज हैं, आप उसमें से सूर्य नमस्कार तो सभी कर सकते हो, वो किया इधर आओ थोड़ा भाई पकड़ो अभी देखो एक तो कठिन वाला बता, चार बात यही है ना, एक तो कठिन वाला है, उसमें तो ऐसे करना पड़ता है कि आप अपने आप को बैलेंस कर सके, इस तरह थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मैं जब 50 साल से ज्यादा की उम्र में करता हूँ और 100 साल तक ऐसे ही करूंगा तो आप ही कर सकते क्या दिखो ऐसे। For those of you who don't know Hindi, this is Guru Baba Ramdev telling us that regular practice of yoga keeps you fit, keeps lowers your cholesterol, your blood sugar, lowers your tension, and at the age of 50 he says he can do this, then you can definitely do better. So this is Baba Ramdev showing you practically how to live a better, happier life so that you use less products but definitely live a long and happy life. अबे जो और कुछ आप बताना चाहेंगे? कुछ ये है सूर्य नमस्कार तो जानते हो ना सब, कितने लोग हैं जो सूर्य नमस्कार जानते हैं? इसे अंग्रेजी में सन सैल्यूटेशन कहते हैं। मुझे लगता है बहुत से लोग तो सूर्य उदय के बाद ही उठते हैं, उनको पता ही नहीं। अब बताओ आप में से 5% लोग हैं जो सूर्य नमस्कार जानते हैं, इसकी 12 एक्सरसाइज होते हैं। Make an applause.